हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिकेत क्रिएटिविटी। मैं हूँ अनिकेत पाटिल और आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कलर गणेश मूर्ति। तो गणपति जी की मूर्ति हम कैसे कलर करें वो आज हम देखेंगे। तो ये जो आप मूर्ति देख रहे हो ये मैंने बनाई है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली मूर्ति है। तो इसमें मैंने जो मिट्टी यूज़ की है वो पौधे लगाते हैं, जो गार्डनिंग में हम लोग मिट्टी यूज़ करते ये वही मिट्टी है। इस मूर्ति का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं इस मूर्ति का वीडियो बनाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो जब मैं ये मूर्ति बना रहा था तब मैंने इसके कुछ फ़ोटोज़ निकाले थे, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम अनिकेत क्रिएटिविटी पे अपलोड किए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाके आप उसे देख सकते हो। तो अब हम कलरिंग को शुरुआत करते हैं और उसके लिए जो मटेरियल हमें लगेगा वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो कलरिंग के लिए मैंने लिए है पोस्टर कलर्स, इसमें 18 शेड्स है और गणपति को कलर करने के लिए हमें इतने शेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे सिंगल कलर्स भी ले सकते हो, आपको जो कलर पसंद है वो आप ले सकते हो। और मेरे पास पुराने कलर्स भी थे वो भी मैं यहाँ ले रहा हूँ ताकि क्वांटिटी में हमें कम ना पड़े। और हमें लगेगा एक क्रीम कलर और गोल्डन कलर, तो ये मैंने क्रीम कलर लिया है और एक गोल्डन कलर लिया है। क्रीम और गोल्डन कलर आपको इसके अंदर भी मिलेगा पर मुझे ये शेड चाहिए था इसलिए मैंने वो लिया। और हमें कुछ पेंट ब्रश लगेंगे वो मैंने लिए हैं। तो पहले इन्हें हम वाइट पेंट करते हैं। तो मैंने मूर्ति को व्हाइट कलर करके सुखा लिया है और अब मैं इसे स्किन कलर करूंगा।
गणपति के धोती को मैंने रेड कलर दिया है, तो अब मुझे इस पे जो प्लेट्स है उसको शैडो इफेक्ट देना है, तो उसके लिए मैंने यह डार्क रेड कलर लिया है। अगर आपके पास डार्क रेड कलर नहीं रहेगा तो जो आपके पास कलर रेड कलर है उसमें थोड़ा सा ब्लैक आप ऐड करोगे तो वो थोड़ा डार्क हो जाएगा।
ब्लैक कलर पे मैं अब बहुत ही लाइट गोल्ड कलर देने वाला हूँ। तो अब मैं गोल्डन वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ।
इस मूर्ति को इतनी फिनिशिंग नहीं है, उसके दो रीज़न है। पहले तो ये मिट्टी का है, और दूसरा रीज़न है कि जब मैं बना रहा था तब मैंने जो मिट्टी यूज़ किया था वो मैंने छान कर नहीं लिया था, इसीलिए उसमें बहुत सारे पत्थर थे। तो अब मैं बाप्पा पर थोड़ा डायमंड वर्क कर रहा हूँ। हमारी गणेश जी की मूर्ति कलरिंग करके रेडी हो गई है, और अब मैं यहाँ मोदक भी रख देता हूँ। मैंने गणपति की मूर्ति कुछ 4 साल पहले बनाई थी, और वो बहुत छोटे साइज़ की थी, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं थोड़ी बड़ी साइज़ की बना के देखूँ कि वो कैसे बनती है। तो आपको ये मूर्ति कैसे लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और बोलो गणपति बाप्पा मोरी।